लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। साक्षी की तलाश में जो है नोएडा जा रहे हैं, उनका जो हमें नंबर मिला था उसकी अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन नोएडा जाके तलाश करेंगे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। कहा जा रहा है साक्षी मिश्रा को इस बात का भी दुख है कि उनका भाई भी सोशल मीडिया पर उनको लेकर पोस्ट लिख रहा है। साक्षी मिश्रा ने अपने पिता के दोस्त राजीव राणा पर भी एक बार फिर से धमकाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर दोनों में तीखी नोकझोंक भी हुई। मुझे सबसे ज्यादा ये बुरा लग रहा है कि मेरा भाई फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है और लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं उसकी पोस्ट पे। तो एक बार भी उसने किसी को ये रिप्लाई नहीं किया कि तुम लोग मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। उसने जो भी किया वो मेरी बहन है, लेकिन तुम लोग उसके बारे में गलत मत लिखो, लोग गलत गलत पोस्ट डाल रहे हैं। आप उम्मीद कर रही थी अपने भाई से कि कम से कम इतना तो करेगा? हाँ, मुझे उससे पूरी उम्मीद थी कि, लेकिन मैं शॉक थी कि ये देख कर कि लोग इतना गलत लिख रहे हैं। और जब मैंने उसकी पोस्ट पढ़ी तो उसमें उसने मुझे साक्षी लिख रखा था, जो कि आज तक उसने मुझे साक्षी नहीं बोला। किसी ने मुझे साक्षी नहीं बोला, हमें हर कोई शीनू ही बोलता है। हाँ। मेरा सर्टिफिकेट नेम साक्षी है। हाँ। और जब मैंने वो साक्षी पढ़ा तो मैं समझ गई थी कि अब इसने भी सारे रिश्ते मुझसे खत्म कर दिए। और मैं बस यही बोलूंगी भाई कि जो तेरे दोस्त हैं, तेरी आईडी में ऐड है, जो जिनसे तू मिलता है, वो मेरे बारे में जो गलत बोल रहे हैं उनको समझा। ये हमारा फैमिली मैटर है, जब भी हम आगे इन फ्यूचर मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, तब शायद तू समझेगा। और मम्मी का ख्याल रख उनको। बात सुनिए, अभी आपने एक वीडियो वायरल किया, उसमें ये कहा है आपने कि राजीव राणा अपने गुंडों के साथ मुझे ढूंढना बंद कर दे। शब्द यूज नहीं किया मैंने, ढूंढना बंद कर दे, गुंडा शब्द मगर पानी नहीं मेरे किया मैंने। नहीं, आपने कहा अपने कुत्तों के साथ, आपने उसमें कहा है, मैंने वीडियो देखा, अपने कुत्तों के साथ अगर पानी मेरे सर से उतर गया तो बात बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि अब आप कह रही हैं कि दो आदमी केवल पूछने गए थे आपके लिए। अच्छा, मतलब मुझे कुछ कर दिया जाता, मुझे मार दिया जाता। नहीं, मुझे आपने कहा अपने गुंडों के साथ राजीव राणा खुद ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। आपने कहा मुझे खुद में ये बात, आप वीडियो अपना चेक करिए कि आपने कहा कि राजीव राणा खुद अपने कुत्तों के साथ मुझे ढूंढ रहे हैं। अब आप कह रही हैं केवल दो आदमी आपको पूछ रहे थे। एक तो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है राजनीतिक लोगों की, वो अपनी बातें बोलते रहते हैं और सामने वाले की सुनते ही नहीं है। और आपका भी वही है, क्योंकि आप विधायक जी के पास में बैठते हैं, मतलब मेरे पापा के पास में बैठते हैं, तो वही वाली चीजें हैं। तो आप सुनिए, मैंने वीडियो में ये चीज बोली थी कि पापा आपने अपने कुत्तों को जो हमारे पीछे भेज रखा है, जस्ट लाइक राजीव राणा जी, ये शब्द थे। और राजीव राणा के आगे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो चीजें खराब हो जाएंगी उनका, और अंकल ज्यादा बेटर रहेगा कि आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। आपने कहा राजीव राणा का पूरा खानदान जेल में चला जाएगा, वो तो आप विधायक जी की पुत्री हैं, इसमें कोई बात आपसे नहीं कर रहे, मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा आपके ऊपर। किसने बोला ये, किसके ऊपर मुकदमा कह दिया आपने, कैसे कह दिया? मगर देखिए किसी आदमी के लिए कर दो, जाओ मुकदमा करो। आप मुझे ये क्यों कहा कि राजीव राणा जाओ, आप राजीव जी की पुत्री हैं इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं कह रही हूँ। जाओ जाओ, आप मुकदमा ही करवाना, आप जाओ। नहीं तो मैं मानहानि का मुकदमा करता इस बात पे, आपने कह कैसे दिया हमें। अरे जाइए, बिल्कुल जाइए, जाओ मुकदमा ही लिखवाना। अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे पास फोन आए और बोला जाए कि राजीव राणा ने आपके ऊपर मुकदमा लिखवाया है। शर्म नहीं आ रही? कल आप मुझे बच्ची बोल रहे थे और आज आप मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने की बात कर रहे हो। मैंने तो आपको पिता के समान समझा ही नहीं, आज आप कैसे आप मुझ पे आरोप कैसे लगा सकती हैं? आप हर चैनल पे, आप मेरी बात सुनिए, आप देखिए, आप हर चैनल पे मुझ पे आरोप क्यों लगा रही हैं? हर चैनल पे कि आप मेरा, मैं आपका पूछा क्यों करूंगा? मैं आपसे बोल रही हूं कि अजितेश ने आपसे पैसा मांगा तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे ये दिख जाएगा कि किसके ऊपर फ्रॉड के मुकदमे हैं। अगर बरेली के पुलिस